करणपुर में कांग्रेस की रुपिंदर सिंह कुन्नर जीत चुके हैं, 11,261 वोटों से जीते हैं रुपिंदर सिंह कुन्नर। और मौके के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को हरा के बड़ी जीत दर्ज की है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? जो मेरे स्वर्गीय पिता सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर, जिन्होंने पिछले 40 सालों से ये करणपुर की जनता की सेवा की है, जो उन्होंने इलाके का विकास में काम किए हैं, उन कामों को देखते हुए लोगों ने जो सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, कर्णपुर की जनता को, मैं 2,40,000 मतदाताओं को सभी को श्रेय देना चाहता हूं, और ख़ास तौर पे युवा साथियों को और मेरी मातृशक्ति को, जिन्होंने मुझे बेटे की तरह भाई की तरह आशीर्वाद और प्रेम दिया, सारा श्रेय उनको जाता है। आज जैसे रिजल्ट आया और यहाँ पे आप मतगणना के बीच में पहुँचे तो बार बार आंखों से आंसू आ रहे थे, लोग भी इतने भावुक थे, जीत हो रही थी फिर भी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्या बात थी? ये चुनाव मेरा नहीं था, ये चुनाव में सरदार गुरमीत सिंह जी लड़ रहे थे, एकदम से उनका जाना, और आज प्रमाण पत्र जो मैंने लिया है, शायद वो होते तो वो लेते, तो उन्हीं का हक था, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे, फिर भी कर्णपुर की जनता ने उनको देखते हुए मुझे जो आशीर्वाद दिया है, सच्ची श्रद्धांजलि दी है, तो मैं सारा श्रेय मेरे पिताजी को और कर्णपुर की जनता को देता हूँ। बड़ी बात यह है, सरकार के खिलाफ आज आपने जीत दर्ज की है कांग्रेस पार्टी ने, और एक मंत्री चलते चुनाव मंत्री बनाया गया, बड़ी जीत कहा जा सकता है, और कांग्रेस को एक तरीके से कांग्रेस हारी चुनाव के अंदर और सरकार बीजेपी की आई, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पार्टी अब कितना मोटिवेट होगी या कोई संजीवनी मिली है उनको इस जीत से? बिल्कुल, जब ये राजस्थान में हमारी इतनी जन कल्याण योजना होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी हार गई थी, उसके बाद जो भाजपा की सरकार बनी, उसका अहंकार जो सातवें आसमान पे पहुंच गया था, चलते चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संविधान को ना मानते हुए, चुनाव आयोग को ना मानते हुए, जो उन्होंने ये उनको मंत्री पद से नवाजा, तो लोगों में बहुत रोष था। उस दिन से ये चुनाव मेरा नहीं रहा था, कर्णपुर की जनता ने अपना चुनाव बना लिया था, और 2,40,000 जो मतदाताओं अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे, उन्होंने आज जवाब दे दिया है, और भाजपा को अब समझना पड़ेगा, अभी लोकतंत्र के सामने धक्काशाही नहीं चल सकती, हिंदुस्तान में लोकतंत्र ही है, और आज लोकतंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत से लेकर और राष्ट्रीय नेता अब ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और बीजेपी पे हमलावर है कि एक महीने के अंदर ही बीजेपी सरकार है जो अपना प्रत्याशी को नहीं जिता पाई, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेता के तौर में उभर के सामने आ रहे हैं आप? कर्णपुर की जनता ने इतिहास बनाया है, और पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश दिया है भी, अब लोग जाग चुके हैं, और जो इनकी धक्काशाही है उनको जवाब इसी तरीके से मिलेगा, और मिला है, आगे भी मिलेगा। लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, इस चुनाव को, इस जीत को लेकर? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला दोनों में ही कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और मेरा मानना है अभी ये सीट भी लोकसभा की भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। ये थे रुपेंद्र सिंह कुन्नर, नवनिर्वाचित विधायक है श्री करणपुर से, जिन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है। इन्होंने कहा है कि जो जनता ने जन समर्थन दिया है उसको लेकर अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में भी गंगानगर की सीट है जो कांग्रेस जीतेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व का सबका आभार जताया है, और जनता का जो प्यार मिला, जो कुन्नर साहब ने काम किए उसके बलबूते पर अपनी जीत का जो जीत दर्ज की है वह ये मानते हैं। सुनील सियाग, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कैमरा पर्सन। तो देखिए, खास बातचीत फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम के साथ रुपिंदर सिंह कुन्नर की, क्योंकि जीत दर्ज कर ली है, और आपने देखा होगा कि किस तरह से अपनी प्राथमिकता, और साथ ही कहा कि यहां से उम्मीद की जा रही है लोकसभा सीट भी निकाल लेंगे, क्योंकि और अपने पिताजी को भी आज उन्होंने याद किया।